लोग का खाने पीने का कोई सुविधा उधर नहीं है, ना खाने के लिए खाना मिल रहा है, ना पीने के लिए पानी। हम लोग का बहुत तकलीफ उधर में है। पैसा कुछ था वो भी खत्म कर दिया। अभी कुछ हम लोग भूखा ही सही रह रहा है, 5 दिन से भूखा है। ये लड़का देखिए 3 दिन से ऐसे अभी कुछ खाना ही नहीं खाया। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक कैसा गुजारा कर रहे हैं? तो लॉकडाउन जब से हुआ तब से गुजारा कर रहे हैं। कुछ पैसा था हम लोग के पास, वो खा लिया। कंपनी को बोला पगार करने के लिए, तो बोलता है कि रुको मैं करता हूँ। तो कुछ बोलता है कि सब कुछ तुम्हारा व्यवस्था देता हूँ, कुछ कोई आता ही नहीं है, ना कुछ व्यवस्था कुछ करता है। और आपका झारखंड जाने का है? झारखंड का हूँ हम लोग, 1200 लेबर हूँ झारखंड का। एक एयरपोर्ट में काम करता था। बसों में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? बस वापस लेके जाने के लिए उन्होंने बोलता है कि चलो ये आप लोग का खाने की व्यवस्था देगा, रहने का व्यवस्था देगा। वो बोलता है सीधा काम पर निकलो, अभी जाने का नहीं। वो सुबह GMR का हैदराबाद एयरपोर्ट से आया, सिक्योरिटी लोग बोला कि 4 दिन के अंदर आप लोग का गाँव भेजाता हूँ। वो SP साहब फिर टाइम पिस्टोला लेके गया SP साहब को। SP साहब बोलते हैं 15 से 20 दिन लगेगा तुम लोग के जाने के लिए, इधर कोई सुनवाई नहीं है, इधर जैसा है वैसा रहो कॉलोनी में रहो। पैदल जाएंगे झारखंड? हाँ पैदल जाएगा, क्या करेगा। 1200 लेबर हम लोग है झारखंड का, सिर्फ पूरा स्टेट मिला के 4000 हम लोग है। पुलिस बोल रही है कि आप लोगों को ऑफर रिंग रोड पर छोड़ देंगे, वहाँ से चल जाएगा आप लोग। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या? तेलंगाना गवर्नमेंट से मिल रहा है क्या? मिल रहा है भूखा तो मार रहा हूँ, तो क्या कुछ मिल रहा है? आप लोग को 1500 या 12 किलो राशन वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग का, अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हम लोग का, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से थोड़ा पैसा था वो खाया, ऐसे ही हम लोग है। तो आप अपील किसको करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को अपील करना चाह रहे हैं? अपील तो कर रहा हूँ कि वो सुन कहा रहा है, गरीब आदमी का कौन सुनता है सर। आप अभी क्या इरादा किया, कैसे जाएंगे पैदल? हाँ जी पैदल जाएंगे जी। रास्ता नहीं है ना, रास्ता तो वही रास्ता वही पकड़ लेंगे सर जी। सब फोन सिटी के अंदर नहीं जाएंगे सर। किसी का बाल बच्चा मर रहा है? हाँ जी बच्चा मर रहा है, किसी का परिवार मर रहा है, कोई माँ मर रहा है, समस्या देखते हुए आदमी यहाँ। जैसे आप कहेंगे सर वैसे हम जाएंगे। आपको पैदल जाना है? हाँ जी सर पैदल जाएंगे। अगर आप बस हमारे लिए कर सकते हैं, चाहे हमारे लिए सुविधा आप दे सकते हैं, तो हम जाएंगे। हम बस उधर तक झारखंड तक तो हम नहीं करवा सकते। हाँ जी सर, पर जिधर हाईवे है हाँ उधर तक हम करवा सकते। नहीं सर वो बस ये वाली बस में आप भेजेंगे ना हमें, ये वाला वो ड्राइवर सर, और ये वाले बस में कहीं आप हमको रूम पे लेके चले गए तो लेके जाते रहे। अरे सर जी अभी फोन आया हमको, क्या अभी मतलब जो LNT साथ में आदमी थे उनको फोन आया कि हमको बस में लेके गए और गोदाम में बंद कर दिया। नहीं नहीं अभी ऐसा है कि दो ऑप्शन है, एक है वो आदमी झूठ बोल रहा है। आपको रात को खाना और पानी इधर फंक्शनल में रख के आप कल सुबह पैदल जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो है। नहीं सर खाना हमने खा लिया है, पब्लिक ने खिला दिया। सुनो ना भरा, सुनो जरा। दूसरा है आपका रास्ता है मेडचल हाईवे, ठीक है आपको जाना है तो उस हाईवे में जाना है, ठीक है उस हाईवे में आपको छोड़ के वापस आएंगे। अब दोनों में कौन सा बोल रहा है आपके? बोलो नहीं सर हम लोग गाड़ी में चाहिए सर, हम लोग इसी पैदल इधर से इधर से नहीं आना, मैं नहीं जा रहा जी का, हम लोग सिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन गाड़ी में बैठने का प्रॉब्लम होता है। आप जिद पे आएंगे तो अच्छा नहीं है, साफ बोल रहे जो सुनो जिद पर नहीं आ रहा है, जिद ही चाहिए। सिटी में कर्फ्यू है, सिटी में नहीं जा सकते, ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे। जाना है तो मेट्रो हाईवे में हम छोड़ सकते हैं, नहीं हम लोग गाड़ी से नहीं जा सकते, हम पैदल के रास्ते पैदल ही चले जाएंगे। पैदल उधर ORR है, आउटर रिंग रोड उधर छोड़ेंगे, उधर से आप पैदल मेट्रो हाईवे तक जा सकते हैं। पैदल हम लोग चले जाएंगे लेकिन हाँ। और दूसरा है नहीं तो आपको सोना है तो फंक्शनल में डाल देंगे, फंक्शनल में आप सो के कल सुबह पैदल जा सकते हैं। दोनों में कौन सा? नहीं सर दो चॉइस है, एक चॉइस खाना खा के आराम करके कल सुबह जाता, नहीं तो अभी पहले नहीं आएंगे, तुम्हारा को रोक देते पुलिस वाले, कर्फ्यू है। नहीं सर उधर भी रोका हमको पुलिस ने, कोई दिक्कत नहीं किया सर, आराम से बात करी जैसे आप बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइम बर्बाद करने का कोई नहीं। हाँ जी अभी आपको पैदल जाना है तो मेडचल हाईवे में हम छोड़ देंगे, उधर से आप जा सकते हैं। लेकिन सर हम लोग बस में बैठने के लिए बताए क्यों नहीं तैयार है, हमको डर लग रहा है कि कहीं आप कहेंगे कि बैठो उसके बाद आप कंपनी लेकर चले जाएंगे। बड़े साहब झूठ बोलता रहता है, नहीं मतलब हम बता रहे हैं 100% आपको उधर नहीं लेकर जाएंगे। आप चाहिए तो फंक्शनल में सो के कल सुबह जा सकते हैं, ये तो दूसरा बात है, तो मेडचल हाईवे में आप पैदल जा सकते हैं। कल सुबह नहीं जाएगा, अभी चाहिए तो हम लोग के पास ठीक है उधर हाईवे तक हम छोड़ देंगे, उधर से आप पैदल चले।
और हमारा जो भाई सब लोग आगे चला गया सब पीछे आते कोई भी एक आदमी नहीं जाता अंदर लोगों को भी एक आदमी नहीं अंदर चलेंगे हाईवे में भी चलेंगे कोई भी चलो भैया